जैसा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम प्रतिफलन, इसके बारे में डिटेल आप पहले भी पढ़ चुके हो, सवाल भी स्टार्ट कर दिए थे और सूत्रों पर भी चर्चा हुई थी, सभी सूत्रों का डेरिवेशन भी हो गया है आपके सामने। साइन वर्स 5/13 प्लस साइन वर्स 7/25 प्रूव करना है, कॉस इनवर्स 253/325। तो आपको मैंने बताया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र बता चुका हूँ, साइन वर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट 1 - x². अब ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इसका चलेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र लगेगा साइन इनवर्स एक्स 5/13 अंडर रूट 1 - 7/25 का होल स्क्वायर प्लस 7/25 अंडर रूट 1 - 5/13 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा 1/7/25 का वर्ग, देखिए सूत्र लगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट 1 - x². अब हम क्या करेंगे इसको हल करते हो, ध्यान दीजिएगा 5/13 है ये 24/25 हो जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए अंडर रूट 1 - 7/25 स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम 25 - 7/25। तो 25 + 7 और 25 - 7 अपॉन 25 स्क्वायर, तो ये 32 हो जाएगा, राइट। ध्यान दीजिए 32 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 25 में 7 गया 18 मतलब 9 × 2/25 का वर्ग, देखिए 32 × 2 = 64 का 8 हुआ, 9 × 3 = 25 24/25 अलग से कर लीजिए, ये तो अलग से कर लीजिए आप समझ जाएंगे, 24/25 प्लस 7/25 इसी तरीके इसको करेंगे तो 12/13 आएगा, क्योंकि 5 × 13 है तो 12 होगा, क्योंकि 13 × 5 = 144/172। तो यहाँ 24 × 5 = 120/13/65 13 × 26 = 36 और 12 × 7 = 84/325। अब दोनों जुड़ेगा साइन इनवर्स 4 × 8 = 10 1 × 1 = 2 204 हो जाएगा। अब आंसर बच्चों किस में आ रहा है, कॉस इनवर्स में, साइन इनवर्स है, आंसर किस में आ रहा है, कॉस इनवर्स। तो आपने पढ़ा एक साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x², आपने इसको भी पढ़ा है, इसको प्रूफ भी किए थे। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - 200/4/325 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे हल करेंगे, कॉस इनवर्स 325 - 204/325। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाए ब्रेकेट में प्लस, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 325 + 204 और दूसरा होगा 325 - 204। ऐसे ही किया करो, ये ज्यादा सरल विधि होती है। अभी हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट क्या 5 × 4 = 9 = 2 = 529 और यहाँ होगा 5 में 4 = 1 121 529 का वर्गमूल जो है 23 होता है, 121 का 11 और नीचे 325 हो जाएगा क्योंकि उसका वर्ग है। तो कॉस इनवर्स 11 = 33 / 11 = 22 3 = 25 253/325। एक बार फिर समझ लीजिए सभी लोग, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगेगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट 1 - x². तो यहाँ देखिए 1/7/25 का वर्ग सॉल्व कर लीजिए अलग से 24/25 और ये 12/13 गुणा कर दिया 204/325। अब आंसर कॉस इनवर्स में आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x², इसको ऐसे ही सॉल्व करना a + b a - b
इससे इजी होगा, बहुत लंबा गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी बटे वन प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स सी माइनस ए बटे वन प्लस सी। तो देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इस चीज का, टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे वन प्लस ए बी है प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी बटे वन प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स सी माइनस ए बटे वन प्लस सी। अब देखिए आपने सूत्र पढ़ा था, टेन इनवर्स ए ऋण बी बटे वन प्लस ए बी, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। इसी प्रकार इसका सूत्र होगा टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, इसका होगा टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए। टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स ए कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स सी कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स बी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया जीरो। कटाली बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, टेन इनवर्स कॉस एक्स ऋण साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पाई बाई फोर माइनस एक्स। मैंने आपको कहा था कैलकुलस भी इस समय में पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलस में बड़ी मदद मिलती है इनवर्स की। जैसे देखिए इसी को ये लिख देंगे तो इसका अगर अवकलज होगा निकालना तो कि इसका मान इसके बराबर होता है तो ऋण एक हो गया, क्योंकि पाई बाई फोर का जीरो एक्स का है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। अभी सुबह भी कराए थे आज कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बच्चों यहां कॉस एक्स का आंसर में डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, देखिए कॉस एक्स का डिवाइड कर देंगे तो कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब डिवाइड क्यों किया, देखिए टेन इनवर्स कॉस एक्स का डिवाइड करेंगे तो वन माइनस टेन एक्स बटे वन प्लस टेन एक्स, जिसका फार्मूला आप जानते हो टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। क्यों टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, क्योंकि वन को लिख सकते हो आप टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स बटे वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स। सूत्र देखिए लगा है टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी, क्योंकि टेन पाई बाई फोर का मान वन होता है, तो सूत्र बनाने के लिए सही या तो डायरेक्ट आप जो है टेन पाई बाई फोर रेड एक्स लिख दो, या तो बनाना है तो वन को लिख दो टेन पाई बाई फोर, यहां वन को जगह वन ही रहने दो क्योंकि सूत्र बनाना है टेन ए रेड टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी, क्योंकि टेन पाई बाई फोर एक होता है, एक का टेन एक्स गुणा करो वही आएगा, तब इस सूत्र बन जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। अब आप जानते हो इसको क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स पाई बाई फोर माइनस एक्स। तो ये देखिए इसका जो है ये रूप आप जानते रहिए, इसको कैलकुलस बड़ा उपयोगी है क्योंकि इसका अवकलन आएगा तो इसके जगह हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, फिर डी डी एक्स आप वाई करेंगे पाई बाई फोर का जीरो एक्स का एक। सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू है और प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स थ्री 50 लाना है, यानी कि आपको सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स थ्री। तो चाहे तो सेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख दो, या तो ऐसा करो माना टेन इनवर्स टू इज इक्वल टू थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टू, और कॉट इनवर्स थ्री इक्वल टू फाइव, तो कॉट फाइव हो गया थ्री। मान लिया मैंने टेन इनवर्स टू को थीटा मान लिया तो टेन थीटा टू हो गया, कॉट इनवर्स थ्री को फाइव मान लिया तो कॉट फाइव थ्री हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स थ्री, अब टेन इनवर्स टू को थीटा माने तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इसको फाई माने तो हो गया कॉसेक स्क्वायर फाई। अब हमको मान टेन थीटा को पता है तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई, तो टेन थीटा का मान टू टू का स्क्वायर, इसका मान थ्री का स्क्वायर, वन प्लस फोर प्लस वन प्लस नाइन 15 आ गया। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू को
वन प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स टू लिख देते, यानी कि इस तरीके से भी कर सकते थे, वन प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स टू, और इसको वन प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स थ्री, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन थीटा का होल स्क्वायर, टेन टेन इनवर्स टू का होल स्क्वायर, यहाँ भी वन प्लस कॉट कॉट इनवर्स थ्री का होल स्क्वायर, तो टेन टेन इनवर्स टू टू हो जाता, वन प्लस टू का स्क्वायर वन प्लस थ्री का स्क्वायर फिफ्टीन आ जाता। लेकिन इस तरीके से ज्यादा अच्छा है, टेन इनवर्स टू को थीटा मान लो टेन थीटा टू, कॉट इनवर्स थ्री को फाई मान लीजिए कॉट फाई थ्री, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर फाई। अब चूंकि हमको टेन थीटा का मान पता है तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर फाई को वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई, टेन थीटा की वैल्यू टू कॉट फाई की वैल्यू थ्री रख के सॉल्व कर लेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड फाई बाई टू है, देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू वन। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई टू है, तो टेन इनवर्स जेड को उधर भेज दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जेड, बराबर होता है पाई बाई टू। हर बच्चा जाने कि टेन इनवर्स जेड प्लस कॉट इनवर्स जेड पाई बाई टू होता है, तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जेड हो जाएगा कॉट इनवर्स जेड, कॉट इनवर्स जेड हो जाएगा। तो यहां देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स जेड। ध्यान दीजिएगा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जेड बराबर होता है कॉट इनवर्स जेड, सभी लोग जानते हो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, sec इनवर्स एक्स प्लस कॉस sec इनवर्स एक्स पाई बाई टू, तो टेन इनवर्स एक्स जेड प्लस कॉट इनवर्स जेड पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जेड बराबर होता है कॉट इनवर्स जेड। अब इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई बराबर टेन इनवर्स वन अपान जेड, दोनों तरफ टेन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई बराबर वन अपान जेड, तिरियक गुणा करेंगे एक्स जेड प्लस वाई जेड बराबर वन माइनस एक्स वाई, एक्स वाई इधर आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर वन। ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई बाई टू, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जेड, दैट इज कॉट इनवर्स जेड, और कॉट इनवर्स जेड को लिख देंगे टेन इनवर्स वन अपॉन जेड, दोनों तरफ का टेन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई बराबर वन अपॉन जेड, तिरियक गुणा कर देंगे आपको आंसर। माना टेन इनवर्स एक्स बराबर ए, टेन इनवर्स एक्स को ही मान लीजिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा टेन ए, टेन इनवर्स वाई को बी मान लीजिए तो वाई बराबर टेन बी, और टेन इनवर्स जेड को सी मान लीजिए जेड बराबर टेन सी, इससे कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब ए मान टेन इनवर्स एक्स को ए, टेन इनवर्स वाई को बी, टेन इनवर्स जेड को सी, यही रख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई टू, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर पाई बाई टू माइनस सी, प्लस है उधर जाएगा माइनस। अब यहां देखिए टेन ले लो टेन ए प्लस बी, यहां हो जाएगा टेन पाई बाई टू माइनस सी। अब टेन ए प्लस बी का सूत्र, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी, यहां कॉट सी हो जाएगा, टेन पाई बाई टू माइनस सी कॉट सी होता है, टेन नब्बे डिग्री रेड थीटा कॉट थीटा, तो हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी वन अपान टेन सी। इलेवेंथ की जो त्रिकोणमिति इस समय चल रही यूट्यूब पर भी लाइव भी कल से चलेगी, उसमें जरूर आप पढ़ा करो, उसको जरूर पढ़ा करो, क्योंकि उससे ही आपका बेस मजबूत होगा।
इस समय यूट्यूब पे जितने आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी चल रहा है उसको सभी देखिए। अब देखिए टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी, कॉट सी, कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है वन अपॉन टेन सी। अब वैल्यू रख दीजिए, टेन ए का मान क्या है एक्स, एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई, वन अपॉन जेड त्रिक गुणा एक्स जेड प्लस वाई जेड वन माइनस एक्स वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू वन, प्रूफ हो गया। इससे भी कर सकते हैं, देखिए बहुत इजी तरीका है, टेन वर्स एक्स को ए, एक्स बराबर टेन ए, टेन वर्स वाई को बी, वाई बराबर टेन बी, टेन वर्स जेड को सी, जेड बराबर टेन सी। मान रख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी पाई बाई टू, ए प्लस बी पाई बाई टू माइनस सी टेन ले लिए, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी, इसको कॉट सी, वन अपॉन टेन सी, फिर तीन गुणा कर सकते। आसान देखिए बच्चों, इफ कॉस इनवर्स एक्स बाई टू प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई थ्री इक्वल टू थीटा, देन प्रूव दैट नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई कॉस थीटा प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स साइन स्क्वायर थीटा। इसको लेके हम चलेंगे, इसको प्रूव करना। देखिए कॉस इनवर्स, आराम से पहले समझिए इसको, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई थ्री बराबर थीटा। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई, एक्स वाई टू इंटू वाई बाई थ्री एक्स वाई, सूत्र जरूर जानते रहिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, सभी जानते हो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी से प्रूफ हुआ था, इसको ए मान के इसको बी, कॉस ए प्लस बी से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू थीटा, वर्क कर दिए एक्स स्क्वायर वाई। अब ये उधर चला गया एक्स वाई अपॉन सिक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, इसको लिख सकते हैं फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, इसको नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन कॉस थीटा, उधर गया कॉस थीटा। अब हम लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन सिक्स माइनस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर बटे टू अंडर रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन थ्री इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आता है तो रूट को एक तरफ करते बाकी को एक तरफ, तो देखिए थ्री टू जो सिक्स यहां भी है, देख लीजिए एक्स वाई माइनस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पूरे का सिक्स, क्योंकि यहां भी सिक्स, थ्री टू जो सिक्स कॉस थीटा। अब हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को एक तरफ बाकी को एक तरफ, देखिए एक्स वाई माइनस सिक्स कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर, यहां तक कर लिए। अब इसका दोनों पक्षों को वर्क कर दीजिए, तो वर्क करेंगे बच्चों तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस सिक्स कॉस थीटा का स्क्वायर या फोर माइनस एक्स स्क्वायर नाइन माइनस वाई स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, पहुंच गए, वर्क कर दिए तो आ गया दोनों पर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू एक्स वाई इंटू सिक्स कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी थर्टी सिक्स कॉस स्क्वायर थीटा, इधर गुणा करिए फोर नाइन या थर्टी सिक्स माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए एक्स वाई वाला तो इधर बुला लीजिए माइनस नाइन एक्स स्क्वायर इधर आएगा प्लस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर छः दुनी बारह एक्स वाई कॉस थीटा, और इधर देखिए छत्तीस ऋण छत्तीस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से देख लीजिए एक बार ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ गुणा कर दिए चरण वाई छत्तीस ऋण चार वाई स्क्वायर ऋण नौ एक्स स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल हो गया, एक्स वाई वाला एक एक तरफ कर दिए तो माइनस नाइन प्लस हो जाएगा प्लस माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई छः दुनी बारह और छत्तीस का स्क्वायर थीटा, उधर तो हो गया नाइन एक्स स्क्वायर प्लस चार वाई स्क्वायर बारह एक्स वाई कॉस थीटा,
यहाँ 36 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कॉस इनवर्स पी बटे प्लस कॉस इनवर्स क्यू अपॉन बी इक्वल टू अल्फा, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र, कॉस इनवर्स एक्स वाई पी अपॉन ए इंटू क्यू अपॉन बी माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। अब एक कॉस इनवर्स उधर जाएगा, देखिए पी क्यू अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटे बी कॉस। अब ए बी का उधर गुणा कर दिए तो क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एड पी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर एड क्यू स्क्वायर बराबर ए बी कॉस, तो हो जाएगा पी क्यू माइनस ए बी कॉस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एड पी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर एड क्यू स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए जैसे तभी किए थे, पी क्यू माइनस ए बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर एड पी स्क्वायर बी स्क्वायर एड क्यू स्क्वायर। अब यहां देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू ए बी कॉस अल्फा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर गुणा करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब पी क्यू वाले टर्म इधर बुला लीजिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू ए बी कॉस अल्फा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब वहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच्चों काम ले लीजिए, बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू ए बी कॉस अल्फा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान लेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो हो गया बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू ए बी कॉस अल्फा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। आपको राइट में साइन स्क्वायर अल्फा लाना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू पी क्यू अपॉन ए बी कॉस अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, एकदम पिछले सवाल की ही तरह हो गया। दी फॉलोइंग इक्वेशन से यानी कि अब जो क्वेश्चन 3-4 मिलेंगे उसमें उस समीकरणों को हल करना है, हल करना मतलब x की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, यानी कि समीकरण दिया है इसको हल करके x का मान बताना है आपको। देखिए यहाँ 2 tan इनवर्स x है, यहाँ देखो tan, तो आपने 2 tan इनवर्स x का सूत्र पढ़ा है क्या, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर पढ़े हो आप, यहां 2 tan इनवर्स को हम tan इनवर्स में बदल दें, दोनों तरफ tan इनवर्स हो जाएगा फिर tan ले लेंगे tan खत्म हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 2x, x का काम cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इधर देखिए tan इनवर्स 2 cos x। अब देखिए मेरी बात ध्यान समझिए, 2 tan इनवर्स x का आप सूत्र जानते हो, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, x का काम कौन कर रहा है cos x, अब दोनों तरफ tan ले लेंगे तो 2 cos x बटे sin स्क्वायर x, और इधर हो जाएगा 2 बटे sin x, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा बच्चों, अब इधर आ जाएगा तो cos x बटे sin x बराबर 1, ध्यान दीजिएगा cos x बटे साइन स्क्वायर x 1 अपॉन साइन x ऊपर आ जाएगा, cos x बटे साइन x 1 आ जाएगा तो cot x 1 आ जाएगा, या इसको आप tan x भी 1 कर सकते हो
तो टेन एक्स वन, तो टेन एक्स का मान आ गया टेन पाई बाई फोर, एक्स का मान आ गया पाई बाई फोर। हर बच्चा ध्यान देगा, यही मुख्य है। टू टेन इनवर्स एक्स को लिख देंगे, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो टू कॉस एक्स बटे वन में टेन ले लिए, टेन इनवर्स टेन खत्म हो गया। तो इधर देखिए टू कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर, टू बटे साइन एक्स, टू से टू कैंसिल, तो साइन एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बटे साइन एक्स वन हो गया, कॉट एक्स वन, टेन एक्स वन एक्स पाई बाई फोर, ये साइन एक्स ऊपर आ जाएगा। ठीक, नंबर 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x माइनस हाफ tan इनवर्स x बराबर 0। तो हम क्या करते, देखिए 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x है, तो x की जगह हम tan थीटा रख दे रहे हैं, तो x की जगह tan थीटा, क्योंकि सूत्र बन जाएगा, देखिए tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, यहां माइनस हाफ tan इनवर्स tan थीटा, x के जगह बच्चों tan थीटा रख दिए, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान रखे रहिएगा। तो x के जगह tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, अभी बताए थे इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, यहां 1 बाई 2 tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस थीटा बाई टू, तो पाई बाई फोर बराबर हो जाएगा थीटा प्लस थीटा बाई टू, तो पाई बाई फोर बराबर हो जाएगा थ्री थीटा बाई टू, तो थीटा का मान हो जाएगा टू पाई अपॉन ट्वेल्व, थीटा बराबर पाई बाई सिक्स, और थीटा का मान है टेन इनवर्स एक्स पाई बाई सिक्स, तो एक्स बराबर टेन पाई बाई सिक्स, टेन तीस डिग्री वन बाई रूट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x माइनस हाफ tan इनवर्स x है, तो x बराबर हमने tan थीटा रखा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, सूत्र है tan पाई बाई 4 रूट थीटा, तो पाई बाई 4 रूट थीटा इससे मिला आपको, और यहां tan इनवर्स tan थीटा, थीटा मिला थीटा बाई 2, पाई बाई 4 रूट थीटा बाई 2 बराबर 0, पाई बाई 4 बराबर थीटा प्लस थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2, थी थीटा बाई टू, तो थीटा की वैल्यू टू पाई अपॉन ट्वेल्व, थीटा पाई बाई सिक्स, तो थीटा है क्या, टेन इनवर्स एक्स है, तो एक्स रॉट टेन पाई बाई सिक्स, टेन तीस डिग्री का मान वन अपॉन रूट।